हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज एम जे एंड यू आर वॉचिंग लॉग ऑन टू एम जे। ये बेसिकली कोई चाय वगैरह नहीं है, एक दवा है बीटाडीन, इस पर डाली गई बीटाडीन गार्गिल। यहाँ मेरे गले के नीचे ना, यहाँ पे थोड़ी गांठ टाइप की हो गई है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। थोड़ी थोड़ी ना बारिश की झेसी भी गिर रही है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। आप सब लोग सोच रहोगे कि मैं इसमें बना क्या रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ, ये देखो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है ना, ये एलोवेरा इसमें निकाल रहा हूँ इस कप में, और फिर बनाऊंगा। आप सबको पता चल गया होगा मैं सैनिटाइजर बना रहा हूँ। तो सैनिटाइजर बनाने के लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है। इसमें ना इस कप में बेसिकली सारा का सारा एलोवेरा जितना भी है, ये बड़ी सी स्ट्रिप और ये, ठीक है, इस सारा का सारा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें निकाल लूँगा। फेट करके इसमें डाला जाएगा। मम्मी का फोन आ गया। हेलो, हेलो, हाँ मम्मी, चाय पीनी है? हाँ चाय पीनी है। चाय के अलावा क्या है? इस एलोवेरा एक्सट्रैक्ट को पहले फेटेंगे, ठीक है, और फेट में किसी और चीज़ से नहीं रहा हूँ, सिर्फ हाथ से ही कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिसको भी बनाना हो बना सके कम से कम। एलोवेरा घर पे अगर किसी का लगा है तो ले लो, ठीक है, इस तरह का भाई तोड़ लो डालडी से, और फिर उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में इसको निकाल लेना है एलोवेरा को इस तरह से, ठीक है, और हाथ से ही फेट सकते हो, अच्छी बात है, तो हाथ से ही फेट लो, नहीं तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर आप अल्कोहल ले आइए। 100% अल्कोहल लाना, कहीं से भी अगर दुकानों से मिल जाती है इसमें मिल जाएगी, स्प्रिट कहते हैं उसे, ठीक है, एथिल अल्कोहल नाम से भी कह सकते हो, ठीक है, एथिल अल्कोहल मिल जाती है तो एथिल अल्कोहल ले आओ। बाद में 30% मात्रा होनी चाहिए इसकी, प्लस वाटर प्लस ऑयल, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, फिर मम्मी का बुलावा आ गया है और फिर ऊपर ही चलते हैं। नाउ इट इज द टाइम फॉर द टी। ये मेरा एलोवेरा बनाने का सामान वान जो रखा हुआ है, और मैं नीचे ही बेसिकली पढ़ाई करता हूँ अपनी, और गेम भी खेलता हूँ नीचे ही। उस जगह देखो सारे कपड़े पूरे फैले पड़े हैं। बस चाय ख़त्म करने के बाद सारे कपड़े करते हैं। गाइस पूरी की पूरी बाल्टी ले आए हैं, और ये अब इसी जो मैंने पेस्ट बना के रखा है ना, ये एलोवेरा का, इसी में डाल दूंगा। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना, तो अपने आप ये पानी पानी जैसा हो जाएगा। देखो अभी पानी पानी जैसा हो गया ना, कुछ इस पानी पानी सा हो गया है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े से जो है ना वो अभी भी गुटके हैं, ये देखो, और ये फिसल रहा है पूरा। तो हम थोड़ी देर और छोड़ देते हैं इसे, 10 मिनट और छोड़ देंगे, और फिर बाद में इसमें डालेंगे अल्कोहल और फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। बहुत ही तीखी गंध है यार, बहुत ज्यादा तीखी गंध है इसकी, इसके पास नहीं बैठ सकता कोई। आएंगे और मिलाएंगे किससे भाई, इसी से मिलाते हैं पेन से। ये अगर अपने घर में सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं तो ये एल्कोस का पेन है, ले सकते हैं इसे घोलने के लिए, ठीक है, खरीद लीजिए मार्केट में, 5 रुपए का मिलेगा। जो गरीब आदमी होते हैं ना वो चम्मच से घोलते हैं, और जो अमीर आदमी होते हैं वो एल्कोस वाले पेन से घोलते हैं। देखो कितना गर्म है ये,
ये देखो बन गया जाम, अब इसे कटक लिया जाए। मर जाएंगे। और ये कहाँ गया मेरा यार, ये मेरा भाई इधर से मिल गया। और एक ढक्कन से भी कम, ठीक है, तो बहुत कम सा लेना है, इतना सा। और एलोवेरा को थोड़ा सा और प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो बस बारी है इसमें भरने की। तो ये मेरा बन चुका है, तो ये मेरा बन चुका है हैंड सैनिटाइजर। तो गाइस फाइनली मेरा होम सैनिटाइजर बन चुका है, इस्तेमाल करके देखते हैं एक बार। बहुत देखी गंदे, लेकिन हाँ पहला का जो सैनिटाइजर था ना उससे कम से कम सही है, ठीक है। तो फिर चलते हैं कुछ दूसरे काम पे। हे गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ और आज चलानी है यार, जम के बाइक चलानी है भाई।